नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को गांधी शांति यात्रा शुरू की। 3000 किलोमीटर की यह यात्रा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई। इसे राकांपा प्रमुख शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए 30 जनवरी को दिल्ली के राजघाट पर खत्म होगी। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि हमारी यात्रा एनआरसी और सीएए के विरोध में है। राज्य सरकारों ने जो हिंसा की उसके खिलाफ है। रास्ते में हम लोगों से बात करेंगे, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करेंगे, देश का दोबारा बंटवारा और गांधी की दोबारा हत्या नहीं होने देंगे। गांधी शांति यात्रा के दौरान ये दोनों नेता सीएए, एनआरसी और जज लोया की संदिग्ध मौत का मुद्दा को उठाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार से एनआरसी लागू नहीं करने की मांग करेंगे। बैठक में इस यात्रा में राकांपा प्रमुख शरद पवार और उनकी पार्टी के कई नेता शामिल हुए। यात्रा को लेकर बुधवार को कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता आज होते तो पता नहीं भाजपा के ट्रोल उनके साथ क्या होते। देश हित में सच्चाई का साथ देने वाली किसी को भी निशाना बनाना ट्रोल्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं बल्कि बिजनेस है। ट्रोल खुद राष्ट्र विरोधी चीजें करते हैं लेकिन दूसरों को राष्ट्र विरोधी बताते हैं। उनके लिए ना तो यह बड़ी चीज है ना ही बुरी। जिस समय देश में रोजगार की कमी महसूस की जा रही है तब रोजगार केवल भाजपा के वार रूम में मिल सकता है। दोनों वरिष्ठ नेता पहले भाजपा का हिस्सा रहे हैं। बीते कुछ साल से दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा पर यशवंत सिन्हा ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों जैसा बनाने का दावा किया था लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पूरा देश ही कश्मीर बन गया है। माझी सर्वांना नम्र विनंती आहे। मेरी आप सबसे बिल्कुल मेरी आप सबसे गुजारिश आहे की 2 मिनिट शांती रखी है। 2 मिनिट आदरणीय पवार साहेब इथे आलेले आहेत। यशवंत सिन्हा माननीय यशवंत सिन्हा, माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब, बाळासाहेब आंबेडकर, माननीय नामदार नवाब मलिक, आशिषजी देशमुख आणि इतर सर्व नेते मंडळी, कमलबाबू मुरारका असतील, आमचे नरेंद्र भाई असतील, सर्वजण आणि सर्व पक्षाचे सर्व जाती धर्माची लोक इथे 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 जमलेले आहेत। मी माननीय यशवंत सिन्हांना विनंती करतो की त्यांनी या यात्रेचा उद्देश आपल्यासमोर रोशन करावा। अरे ए बाबा दोस्तों, हम लोग यहाँ कोई भाषण देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। जो बात कहनी है वो हम लोगों ने कल प्रेस वार्ता में सारी बातें कह दी। ये जो यात्रा 21 दिन की हम निकाल रहे हैं यहाँ से, वो कई राज्यों से होते हुए 30 जनवरी को राजघाट दिल्ली में उसका समापन होगा। तो आज यहाँ से हमें बहुत खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर हम सबको यात्रा के लिए विदा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पृथ्वीराज चव्हाण जी हम में से ही एक हैं, ये लगातार हमारे साथ रहे हैं और इनके सारे मित्र, उन्होंने बड़ी मदद की है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। राजू थोड़ा राइट लगा। हम खास तौर पर आज यहां पर कुछ लोगों को वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। नदीमुल हक जी हमारे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, जिनको ममता जी ने विशेष रूप से यहां भेजा है तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हमको बहुत खुशी है कि प्रकाश अंबेडकर जी यहां उपस्थित हैं, ये भी चलकर आए हैं यहां पर हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और बहुत से लोग यहां पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारी यात्रा CAA, NPR और NRC के विरोध में है, जो सरकारों द्वारा, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, उनके द्वारा जो हिंसा की गई है उसके खिलाफ है। और हम रास्ते भर जहां जहां रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये अपना संदेश देंगे। आज इस यात्रा का संकल्प मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बहुत कम शब्दों में, और वो यह है कि हम अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान की रक्षा करेंगे, हम देश का दोबारा बंटवारा नहीं होने देंगे, हम गांधी की दोबारा हत्या नहीं होने देंगे, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मैं अब आग्रह करूंगा पृथ्वीराज चव्हाण जी से कि वो दो शब्द। राजू थोड़ा जाना राइट ले जाना, मैम आगे मत जाइए आपको। आदरणीय दया साहेब, राजू राइट ले जाना। ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी, राजू प्रकाश अंबेडकर जी, नवाब मलिक जी, आशीष देशमुख जी, खास तृणमूल कांग्रेस से आलेले हाक साहेब, आणि इथे उपस्थित आमचे सर्व सहकारी, राजू राईटला दाखव, गांधी शांती यात्रा 9 जानेवारी म्हणजे आजचा दिवस 1915 साली याच दिवशी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून याच ठिकाणी भारतात परतले आणि त्यांनी त्यांचा लढा आरंभ केला, म्हणून आजचा हा 9 जानेवारीचा दिवस निवडला गेलेला आहे। आणि ही यात्रा 6 राज्यातून जाऊन नंतर मग 30 जानेवारीला राजघाटमध्ये त्याचं समापन होईल। आताच सिन्हाजींनी सांगितल्याप्रमाणे उद्देश फक्त उद्देश आहे तो केंद्र सरकारनं जो काळा कायदा, नागरिकता संशोधन कायदा जो लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये पास केलाय, तो देशाचा कायदा झालेला आहे। त्या कायद्याचा संदर्भ घेताना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, आणि त्यातून मग काही विशिष्ट जातीच्या धर्माच्या सरकारला जे आवडणार नाहीत अशा लोकांना वेगळं काढायचं, त्यांच्या नागरिकतेवर शंका उपस्थित करायची, ते नागरिकतेच्या डाऊटफुल लिस्टमध्ये टाकायचे, आणि नंतर डिटेन्शन कॅम्पची जी कल्पना पुढे आलेली आहे की त्यामध्ये त्या नागरिकांना, कारण त्या नागरिकांना दुसरा कुठलाही देश परत घेणार नाही, त्यांना पुन्हा डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवायचं, असं दुष्ट एक योजना केंद्र सरकारनं नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सुपीक टोक्यातून निघालेली कल्पना आहे। आज या सर्व विचारधारेला विरोध करण्याकरता आम्ही गांधी शांती यात्रा अत्यंत शांततेनं जाणार आहे, कुठेही काही घोषणा देखील दिल्या जाणार नाही, फक्त शांततेनं फलक असतील, आम्ही आमचा उद्देश निवेदन करू, पत्रकार परिषद घेऊ, आणि अशा ठिकाणी छोट्या छोट्या बैठका घेऊन आपल्या मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून आज देशामध्ये संदेश पोहोचवायचा प्रयत्न चाललेला आहे। काही भाजपा
शासित राज्यामधून देखील ही यात्रा जाणार आहे, गुजरात मधून जाणार आहे, उत्तर प्रदेश मध्ये जाणार आहे, हरियाणा मधून जाणार आहे, त्या ठिकाणी तिथले सर्व व्हॉलेंटियर्स, ही काही पदयात्रा नाही, या आम्ही गाडीनेच जाणार आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी ज्याला समावेश भाग घेता येईल त्या त्या ठिकाणी ते नेते मंडळी भाग घेणार आहेत. आता या ठिकाणी माझे खासदार मुनगेकर जी देखील आलेले आहेत. मी पवारसाहेबांनी देखील आश्वासन देईल त्यांना जमेल तिथे ते कुठं दिल्लीला येणार आहेत किंवा इतर एखाद्या युपीमध्ये एखाद्या ठिकाणी येणार आहेत, ते आणि त्यांचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी बरोबर आहेत. काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते आहेत, प्रकाशजी आंबेडकर आहेत, ते आहेत, पण त्याच्यापेक्षा जास्त सामान्य जनता आणि त्यापेक्षाही महत्वाचं म्हणजे विद्यार्थी आज या आंदोलनामध्ये उतरलेले आहेत. पहिल्यांदाच आज विश्वविद्यालयामध्ये अतिशय शांततेनं विद्यार्थी या विचारधारेच्या लढाईमध्ये शांततेने होताना त्यांना अगदी सरकारी गुंडाकडून मारलं जातंय, जे जेएनयूमध्ये झालं, जे जामियामध्ये झालं, जे अलीगडमध्ये झालं, सरकारचा एक पूर्वनियोजित गट आहे. एकंदरीत देशाचं विभाजन करण्याचा आपला डाव आहे, त्याच्या विरोधात गांधींच्याच मार्गाने सत्याग्रहाच्या मार्गाने यात्रा झाली. कुठं बंद नाही, कुठंही काही घोषणा नाही, कुठेही काही होणार नाही, अशा पद्धतीने यात्रा जाणार आहे. मी विनंती करतो प्रकाश आंबेडकर दोन शब्द बोलतील. गांधी शांती राष्ट्रवादीचे असणारे अध्यक्ष शरद पवारजी त्याच्याच बरोबर या ठिकाणी पृथ्वीराज चव्हाण आहेत. 80 वर्षी सुद्धा इतिहासाला यशवंत सिन्हा यांनी असणारी जी रथयात्रा काढली आहे त्याचं सगळ्यांनी सराहना केली पाहिजे. वय झालं तरी लढा हा काही संपलेला नाही आणि त्यांच्या ह्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी सहभागी देण्यासाठी या ठिकाणी मी सहभागी आहे. हा आपण सगळेच लढतो आहोत. ही लढाई मोठी आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. सहजासहजी सरकार ऐकेल असंही मला वाटत नाही. डिटेन्शन कॅम्प्स हे गेले 6 महिने अगोदर बांधले गेलेले आहेत, त्याची पूर्णपणे तयारी झालेली आहे. मी असं म्हणेन की एका प्रकारचं हे युद्धच आहे असं मी म्हणेन. शांततेने हे युद्ध लढावं लागेल. आपण असणारा संविधानिक व्यवस्था मान्य करतोय आणि आरएसएस त्यांना त्यांची सामाजिक व्यवस्था आणायला बघते. या दोन्हींमधला असणारा हा लढा आहे, हा शेवटी पॉलिटिकल लढा आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. हा पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मवरतीच लढला गेला पाहिजे आणि त्याला आपण कशा रीतीने स्वरूप देऊ हा मला वाटतं महत्वाचा आहे. मी पक्षाच्या वतीने, आमच्या वतीने, सगळ्यांच्या वतीने यशवंत सिन्हा यांच्या या मार्चमध्ये आम्ही आहोत एवढंच बोलतो. काँग्रेस यांच्या वतीने या ठिकाणी आलेले शेखर गोहोळजी, आदाब, सलाम, नमस्कार. मैं बंगाल से आया हूं ममता बनर्जी का दूध बनकर करके और गंगा सागर से लेकर करके अरब महासागर तक मैं यही वाणी बुलंद करने आया हूं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हमको कोई बांट नहीं सकता जितनी भी कोशिश कर ले. इस यात्रा में, गांधी शांति यात्रा में यशवंत सिन्हा जी हैं, हमारे आदरणीय शरद पवार जी आज उसको फ्लैग ऑफ करेंगे और भी सब लीडर प्रकाश अम्बेडकर जी, पृथ्वीराज चौहान जी और जितने नेता सब यहाँ हैं और वर्कर सब यहाँ हैं, सबको मैं दिल की गहराई से अपनी साथ देता हूँ. मैं उनके आवाज में आवाज लगाता हूँ और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये मिश्रा काश नक्श दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना है वो मरने को तैयार हो जाए. अब मैं गुजारिश करूंगा. हेलो, यह यात्रा उद्देश्य, यात्रा का उद्देश्य और देश का मूल क्या है, ये हमने एक जो कॉम्प्लेक्स बनाया है
मैं एक छोटी सी कविता गा के आपको बता दूंगा। कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम पैर की शक्कर घोल में उसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। यह देश अपना हासिल है, जहां राम प्रसाद पे बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है, तुम पुलिस से लट पड़ाओगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं बताएंगे, हम कागज नहीं बताएंगे, हम मंजिल यही बिछाएंगे, हम कागज नहीं बताएंगे, हम मंजिल यही बिछाएंगे, हम कागज नहीं बताएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम जनगणमन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तुम जात पात पे बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। भारत माता की जय। याच्या नंतर यानंतर आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आपल्याला काँग्रेस केंद्रचा हक साहेब बाबासाहेब आंबेडकर यहाँ सभी हमारे साथी घर बहनों और भाइयों, आज पूरे हिंदुस्तान में जो परिस्थिति पैदा हुई है, समाज के बहुत बड़े तबके को जिस तरह देश की हुकूमत भारत सरकार चला रही है, इस बारे में जो एक तीव्र नाराजगी है और आम लोगों को एक नया रास्ता की खोज में इन लोगों का ध्यान है, समाज के बहुत बड़े वर्गों में नाराजगी है, मगर उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है और वो रास्ता महात्मा गांधी जी के विचारों से ही रास्ता हो सकता है, जो देश की संविधान बचाने के लिए आम लोगों को मदद कर सकता है। ये एक बड़ा शांतिपूर्ण संघर्ष है और मुझे खुशी है इस शांतिपूर्ण संघर्ष की नेतृत्व की जिम्मेदारी यशवंत सिंह ने अपने कंधे पर ले ली और मुझे मालूम है कि उनकी पूरी यात्रा में दिल्ली में पहुंचने तक जगह जगह पर समाज के नई पीढ़ी के प्रतिनिधि और अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि बड़े हिस्से से शामिल यहां हो जाएंगे। कुछ कदम भारत सरकार ने जो उठाए हैं इससे देश की एकता पर चोट लगी है, समाज के कई छोटे लोगों को छोटे वर्गों को इस तरह की रक्षा हो नहीं सकती, ये बात उनके मन में आई है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मिनोरिटी की हो, ऐसे कई वर्ग जो बता नहीं सकते कि मैं कहाँ से आया कहाँ रहूंगा और ये बताने की उनमें क्षमता नहीं हो, तो जैसे पृथ्वीराज ने कहा उनको एक अलग तरह के कैंपेन रैली की नौबत आई है, स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि इस देश के हिस्सेदार और उन्हें अलग कैंपेन रहने की नौबत आएगी, इतनी बड़ी घोर निराशा इनके मन में कभी आई नहीं, यह परिस्थिति यह सरकार ने पैदा की और इसलिए हमें समाज में जागृति करनी पड़ेगी, समाज के सभी वर्गों में एकता पैदा करनी होगी और ये एकता से जो ताकत पैदा होगी इस ताकत से आज जिन्होंने
ये सब नए कानून लाकर देश की एकता को ठेस लगाई है और साथ साथ अपने हाथ में जो हुकूमत है इसका गैर इस्तेमाल करके जगह जगह की इंदौर सिटी में जो एक नई पीढ़ी सड़क पर शांति से आना चाहती है उनको उनके ऊपर हमला करके एक दमन नीति इसका अमल करने की बात शुरू की है। जेएनयू में जो कुछ हुआ देश के सभी नौजवानों को ठेस लगी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं कि वहां की ये यूनिवर्सिटी है आज ये स्टूडेंट कम्युनिटी सड़क पर उतरी है और जो कुछ हुआ इस बारे में अपनी तीव्र नफरत की जगह जगह पर व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए यही स्थिति में बदलाव लाना हो तो महात्मा गांधी जी का शांति का संदेश और देश में परिवर्तन ये दो बातें पर हम लोगों को ध्यान देना होगा और वो ध्यान देने के लिए लोगों को जगाकर जगाने के लिए ये सभी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है। आप सभी की तरफ से मैं उनको शुभकामना देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लोग उनका स्वागत करेंगे और जो उनकी सोच है उनकी जो विचारधारा है उनको जो मिशन है इसमें सहयोग देने के लिए मजबूती से उनके साथ रहेंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और आगे का रास्ता जो उनके लिए रहा है इस रास्ते के जाने के लिए शुभकामना देता हूँ। आज यहाँ पे इस ऐतिहासिक मुंबई से पोरबंदर होते हुए राजघाट दिल्ली में गांधी शांति यात्रा की शुरुआत होने वाली है। श्रीमती यशवंत जी सिन्हा इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। आज इस दिन इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब उपस्थित हुए, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजीव उपस्थित हुए, साथी में प्रकाश जी अम्बेडकर सभी नेता उपस्थित हुए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पर यहाँ पे पवार साहब राज्य इसलिए कहना चाहूंगा कि परसों 5 तारीख को जो जेएनयू में निंदनीय प्रकार हुआ उससे विद्यार्थियों में और शिक्षकों में भय का वातावरण निश्चित तौर से है। जेएनयू के जो वाइस चांसलर है जगदीश कुमार जी वो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं। उसी तरह के महाराष्ट्र के सभी विद्यापीठों में पिछले 5 सालों में जो फडणवीस सरकार ने आरएसएस विचारधारा के लोगों को वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार बनाया है उनको तत्काल स्वरूप से उनकी नियुक्ति रद्द की जाए ये विद्यार्थियों की ओर से और शिक्षकों की ओर से मैं मांग करूंगा। साथ ही मैं परसों के दिन गेटवे ऑफ इंडिया पे शांति तरीके से यहाँ के मुंबई के युवा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमारे सरकार ने गुनाह दाखिल किए वो गुनाह भी जल्द से जल्द निकाले जाए ऐसी मैं विद्यार्थियों की ओर से आपको विनती करूंगा। इस शांति यात्रा में आप सभी लोग सहभागी हुए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अभी पवार साहब हरी झंडी इस यात्रा को दिखाएंगे और फिर प्रोग्राम की यात्रा शुरुआत होगी। आजच्या नंतर आजची ही यात्रा पुणे मार्गे पुण्याला राहील, उद्याची ही यात्रा नाशिकला पोहोचेल आणि त्याच्यानंतर सूरत मार्गे पोरबंदरला जाईल आणि 30 तारखेला ती अजमेर जयपूर होत राजघाट दिल्लीवर 30 तारखेला समाप्त होईल।
हो करायचे ना झेंडे साहेब दाखवत आहे. ठीक आहे सर, धन धन. तेरा का दिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है. सगळ्या सगळ्या मीडियाच्या लोकांना माहिती देण्यात येते की इथून पायी गेट पर्यंत सगळे नेते जातील आणि आपले स्टँड काढून स्टँड काढा. आता पायी जाणार आहे. JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.